जय गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। मैं योगा ट्रेनर हूँ पास 17 इयर्स से। मेडिटेशन तो मेरा एक पार्ट ही है लाइफ का, पूरे दिन में पर मैंने आधा घंटा करती हूँ। पर जब से मैं सतीश शर्मा के यहाँ पर आई, यहाँ पर सर के यहाँ, और पिछले जो 5 डेज का किया, 2 घंटे, मतलब ऐसा मेडिटेशन मैंने कभी लाइफ में नहीं किया था। एंड टुडे आई अनाउंस इन द मेरी क्लास में भी आज मैंने अनाउंस किया, 7-8 जने अभी वो नेक्स्ट उसमें आने ही वाले हैं सेशन में। एंड रियली बहुत रिलैक्सिंग फील, बहुत ज्यादा, और बहुत ही अच्छी फीलिंग आई। और अपने साथ एक शक्ति को मैंने महसूस किया, और मैंने उनको वेरी फर्स्ट डे ही बोला, सेकेंड डे ही मैंने बोला मुझे थैंक यू, अपने आप से मिलाने के लिए मुझे शुक्रिया। मैं दूसरों का डिप्रेशन दूर करती हूँ, दूसरों को कॉन्फिडेंट करती हूँ, बट कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी चीजें आ जाती है कि कहीं ना कहीं अकेलापन, इनसिक्योरिटी। जैसे मेरे अभी पेरेंट्स की डेथ हो गई, दोनों को मैंने लॉस किया है, तो उसके बाद थोड़ा कभी कभी कुछ ऐसे क्षण आते हैं मेरी जिंदगी में, मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। तो मतलब मुझे ऐसा लगा, मुझे मेरे से मिलाने के लिए मैं इनको जितना थैंक्स बोलूंगा, बहुत ही। जीवन यही है कि हम अगर अपने आप से मिलते हैं, हम अपने लाइफ में सभी से अगर मिलते हैं, और जितने लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, सबके एक अलग अलग एनर्जी होती है, ऑरा होती है, और उसको हम कनेक्ट हो पाते हैं, यही है, बाकी तो कुछ है ही नहीं है। सो इस एनर्जी के साथ बने रहिए, डेफिनेटली यू विल गेट मोर एंड मोर, और ये वर्कशॉप एवरी मंथ होते रहता है। बहुत ही मजेदार था ये एक्सपीरियंस, मतलब अपनी सांसों को फील कर सकते थे जो कि हम नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। right. तो हर जगह, जैसे कि यहाँ पर आज्ञा चक्र पे सांस कैसे फील होती है, वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना, बहुत अच्छा। बाकी इमोशंस कैसे लग रहे थे पूरा सर, जो हाँ सर, इमोशंस तो बहुत ज्यादा, हैप्पीनेस बहुत ज्यादा फील हो रही है, सबसे बड़ी बात है। जो मूड स्विंग हो रहा था ना बहुत ज्यादा, तो वो बहुत ज्यादा बैलेंस हो गया, और बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील हो रही है, पता नहीं कैसे, बहुत ज्यादा। देखो सेरोटोनिन जो है, दिस इज द हैप्पीनेस हार्मोन, आप मेडिकल साइंस में देखेंगे तो जब ये सेरोटोनिन आपका काफी लो होता है, फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस की समस्याएं आती है, कॉर्टिसोल काफी बढ़ जाता है, और फिर मेलाटोनिन भी काफी कम होता है, बिकॉज ऑफ दैट फिर नींद की प्रॉब्लम, इंसोमनिया आती है। तो जैसे विदाउट एनी रीजन यू आर फीलिंग द हैप्पी, तो दैट इज द थिंग कि वो हमें बहुत हाई लेवल पे लेके जाता है, सेरोटोनिन काफी अच्छे और बहुत अच्छे लेवल में जाता है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, हम जब थोड़ा अपने अंतर ध्यान की तरफ, अपने शरीर की तरफ, मन के प्रति उसको स्थिर रखते, अपने ब्रेथ की प्रति जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, दिस इज व्हाट वी फील। सर इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, लग रहा था बॉडी है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि सर अलग है और बॉडी फील ही नहीं हो रही थी, ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ मुझे। सही में देखा जाए तो यही है ना, शरीर तो कुछ समय के लिए हमारे साथ में है, बॉडी जिसको हम कह सकते हैं, लेकिन जो इंटरनल एनर्जी है वो न जाने मतलब कई हजार भी बोलूंगा, कई युगों से चलते आ रहे हैं उस एनर्जी को, हमें शरीर लेते हैं, ग्रैंड करते हैं, छोड़ते हैं, बट दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। तो ये सब चीजें हैं और करते रहना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप फील कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अभी जैसे इसमें आप देखोगे तो कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जो फॉलोअप में जुड़े हुए हैं, सबकी अलग अलग एक अपनी इच्छाएं हैं, और सब उस इच्छाओं को अपने, देखो काम अपने आप लोगों का कहते हैं होते जा रहा है, और आप भी इसको एक्सपीरियंस करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।